नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में 4 जून से 6 जुलाई के बीच हुए सीरो सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके तहत सूबे की 3/4 यानी कि करीब 8.76 करोड़ लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। बिहार में 6 जिलों में किए गए सीरो सर्वे में इन जिलों के आंकड़ों को देखें तो औसत 73% पाया गया है। सर्वे के अनुसार प्रदेश में सबसे अधिक 83.8% बक्सर के लोगों में इम्यूनिटी विकसित हुई है, मधुबनी में 77.1%, अरवल में 73.7%, बेगूसराय में 72.7%, मुजफ्फरपुर में 65.3% और पूर्णिया में 65% लोगों में कोरोना से लड़ने वाले इम्यूनिटी पाई गई है। राज्य में इन्हीं 6 जिलों में फिलहाल सीरो सर्वे हुआ है। कोरोना ने पिछले 1.5 साल में कई लोगों की जिंदगी खराब की है। कोरोना के कारण कई परिवारों ने अपनों को खोया है या कोरोना ने ऐसा दंश दिखाया कि देश का हर एक नागरिक इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि उसने किसी अपने को या फिर किसी जान पहचान वाले को ना खोया हो। कोरोना का आलम कुछ ऐसा दिखा कि कई राज्यों में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर नजर आई। हालांकि दूसरी लहर के बाद पूरे देश ने राहत की सांस तो जरूर ली, मगर कई राज्यों का अभी भी बुरा हाल है। वहीं कोरोना भी अब इच्छाधारी सांप के समान हो गया है, जो जब चाहे तब रूप बदल रहा है। वहीं इन सब के बीच बिहार एक ऐसा राज्य उभर कर निकला है जहां पर कोरोना के जारी उथल पुथल के बीच राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में कोरोना की दूसरी लहर तक कुल मिलाकर 7.14 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि संक्रमितों की संख्या में बिहार में कोरोना को मात देने वालों की संख्या ज्यादा रही, जिसका अंदाजा आप बिहार के रिकवरी दर को देखकर लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 98.6% लोग इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई है। आपको बता दें, बिहार में हुए सीरो सर्वे के दौरान सैंपल जांच के लिए चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी भेजा गया था। यह पहला मौका था जब तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चौथे चरण के सीरो सर्वे में वयस्कों के अलावा 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी शामिल किया गया था। प्रत्येक जिले से 500 सैंपल लिए गए थे। इनमें 400 सैंपल आम लोगों के लिए गए थे, जबकि 100 सैंपल स्वास्थ्य कर्मियों का था। पहले 2 सर्वे बीते साल मई और अगस्त में हुए थे। इसमें सिर्फ वयस्कों को शामिल किया गया था। इसमें पहले भी हालांकि सीरो सर्वे का आयोजन करवाया गया था। उस दौरान पहले चरण के सीरो सर्वे में मुजफ्फरपुर में देखे तो एक भी व्यक्ति में एंटीबॉडी का आकलन नहीं किया गया था, जबकि उस दौरान बक्सर, अरवल, मधुबनी, पूर्णिया और बेगूसराय में लगभग 1% या इससे कम लोगों में एंटीबॉडी को विकसित देखा गया था। हालांकि बीते साल दिसंबर में हुए सर्वे में बिहार ने राहत की सांस ली थी, जिसके तहत अरवल, बक्सर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और बेगूसराय में 20% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी देखा गया। इधर राजधानी पटना वासी कोरोना के माहौल में काफी एक्टिव नजर आए हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी लगभग 80% लोगों को टीका लग चुका है। वहीं कुल संक्रमितों में से अगर देखें तो पटना में अकेले 1.46 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं एम्स पटना के मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर रवि कीर्ति के अनुसार इस आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि यहां लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ गई होगी। फिर भी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी का मानक छू चुके कई देश में देखा जा रहा है कि वहां लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अब आगे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बिहार कोविड-19 की इस जंग को और तेजी से जीत सकेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।